मन में सोचिएगा कि विभक्ति चिन्ह को नहीं है बीच में, शिवालय का मतलब क्या? लंबा हो उधर दिखता। पहला पद है यथा और दूसरा पद है संभव। गंगा का तो का हटा दीजिए विभक्ति चिन्ह और गंगा और जल को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा? कंपेयर किया जा रहा है ना, तो पहला पद विशेषता बता रहा है कि मुख कैसा है चंद्रमा के साथ। हाँ, का दाल बाद में समझते हैं ना, चावल। लंबा हो उधर जिसका, पीते हैं अंबर जिसका। तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का एक बेसिक सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है समास। और ये टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हर साल देखने को मिलता है, चाहे आप 10th क्लास की तैयारी कर रहे हो या फिर 12th की या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। हिंदी ग्रामर से रिलेटेड आप लोग एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मोस्टली इस टॉपिक से जिसका नाम है समास। और ये लगभग स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, वो जाते हैं सेंटर पर एग्जाम देने के लिए और समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना वो उसी तरह छोड़कर चले आते हैं, क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आता है। एग्जाम में कोई भी एक शब्द उठा देगा और बोलेगा कि बताइए ये कौन सा समास है, अव्ययी भाव है कि तत्पुरुष है कि कर्मधारय है कि द्विगु कि द्वंद्व कि बहुव्रीहि, और इसी में स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो क्या होगा, अव्ययी भाव होगा कि तत्पुरुष होगा कि कर्मधारय होगा, इसी में उलझ कर रह जाते हैं, अंतर स्पष्ट कर ही नहीं पाते हैं और बता ही नहीं पाते हैं कि कौन सा शब्द वो कौन सा समास है। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोग भी समास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छोड़ कर आए, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को समास तो समझाऊंगी ही, उसके साथ साथ एक ऐसा शानदार एक ऐसा धांसू ट्रिक बताऊंगी जिसका यूज़ करके आप किसी भी शब्द को पहचान सकते हैं कि वो कौन सा समास है। तो इसीलिए मैं आप लोग को पहले ही बोल दे रही हूँ, दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पेशली 10th और 12th क्लास स्टूडेंट। 10th और 12th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अंत तक वीडियो को देखिए और हर एक बात को आप लोग को ध्यान से सुनना है और ध्यानपूर्वक समझना है, ठीक। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए आए हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद से आप लोग को वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर देना है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि समास किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैं लिख दी हूँ कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिल जाते हैं तब इस मेल को समास कहते हैं। इसका मतलब आई थिंक आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मैं समझाती हूँ। जब दो शब्द या फिर दो से अधिक शब्द यानी कि वर्ड, ठीक है, जब दो शब्द या फिर दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़कर, अब विभक्ति चिन्ह किसे कहते हैं मैं आप लोग को समझाती हूँ, विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिल जाते हैं तब उसे क्या कहते हैं, इस मेल को समास कहते हैं। जैसे कि देखिए राजा का महल, तो देखिए राजा और महल को कौन विभक्त किया हुआ है, कौन बांटा हुआ है, का बांटा हुआ है, तो राजा का महल में का क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है। ये जो का है वो क्या है, एक विभक्ति चिन्ह है जो कि राजा और महल को विभक्त किया हुआ है, बांटा हुआ है। विभक्त का मतलब क्या, बांटना, बटा हुआ। तो वही बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने विभक्ति चिन्ह को छोड़ करके, यानी कि राजा का महल में का जो है ना विभक्ति चिन्ह है, तो इसको छोड़ करके इसको हटा दीजिए और राजा और महल को मिला दीजिए तो राजा और महल मिलकर क्या बन जाएगा, राजमहल। यानी कि राजा का महल में का विभक्ति चिन्ह हट गया तो ये दोनों मिलकर राजमहल बन गए, तो ये राज मिलकर राजमहल बनना ही क्या कहलाएगा, समास कहलाएगा। मेल को ही क्या कहते हैं, समास कहते हैं। एक और एग्जाम्पल लीजिए, लाल रंग का किला, इसमें दो शब्द था राजा का महल, अब इसमें तीन शब्द है। लाल रंग का किला, इसमें विभक्ति चिन्ह क्या है, रंग का, ठीक है, लाल रंग का किला। अब इस विभक्ति चिन्ह को हटा दीजिए, रंग का हटा दीजिए और लाल और किले को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, लाल किला। तो इसमें का विभक्ति चिन्ह हटा दिए रंग का, तो लाल और किला मिलकर क्या बन गए, लाल किला। तो इस मेल को ही, मिलन को ही हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। गंगा का जल, तो गंगा का जल में विभक्ति चिन्ह क्या है, का है, ठीक है, गंगा का, तो का हटा दीजिए विभक्ति चिन्ह और गंगा और जल को मिला दीजिए तो क्या बन जाएगा, गंगा जल, ठीक है। तो मेल को, इसी मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। राजा का पुत्र, तो इसमें का क्या है, विभक्ति चिन्ह है, तो का को हटा दीजिए, राजा और पुत्र मिलकर क्या बन जाएगा, राजपुत्र, ठीक है। तो गंगा जल, राजपुत्र, लाल किला, राजमहल, राजभवन, तो विभक्ति चिन्ह को छोड़कर मिल जाने को ही क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हाँ मुझे यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। समास 6 प्रकार का होता है, जैसे कि मैं लिख दी हूँ, 6 टाइप होता है। पहला है अव्ययी भाव समास, फिर है तत्पुरुष कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। यही है 6 का 6 जहाँ से आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी शब्द उठा लेता है और बोलता है कि बताइए कौन सा समास है, ठीक। तो ये 6 का 6 आप लोग के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक तो आप लोग को नॉर्मली समझ में आ गया होगा, इतने ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं थी। अब इसमें आप लोगों को दिमाग लगाना है, सेंस का यूज़ करना है। तो चलिए मैं इन सभी समास को एक एक करके उनके ट्रिक के साथ आप लोग को समझाती हूँ,
ठीक, हर एक समास का मैट्रिक बताऊंगी पहचानने का, कोई भी शब्द अव्ययी भाव है कि नहीं है इसका पहचानने का कौन सा ट्रिक होता है, तत्पुरुष का कोई भी शब्द तत्पुरुष है कि नहीं है उसको पहचानने का कौन सा ट्रिक है, तो ये सारा चीज़ मैं आप लोगों को हर एक समास का ट्रिक बताऊंगी जिसको आप लोगों को यूज़ करना है और आप आसानी से किसी भी शब्द का समास पहचान सकते हैं। ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। अगर कोई भी शब्द अव्ययी भाव समास है तो हम लोग कैसे मालूम चलेगा, पहचानने का क्या ट्रिक है? तो देखिए, अगर कोई भी शब्द अव्ययी भाव समास है तो उसका पहला पद जो है ना उपसर्ग नहीं तो छोटा होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं आप लोग जानते होंगे, वैसा अक्षर जो किसी शब्द के शुरुआत में पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल दे, मतलब बदल दे, तो उस अक्षर को बोला जाता है उपसर्ग। ठीक है, जैसे शर्म के आगे बे लग गया, बे शर्म, तो बे क्या हो गया, उपसर्ग। ठीक है, तो अगर कोई भी शब्द अव्ययी भाव समास है तो उसका पहला पद उपसर्ग होगा नहीं तो छोटा होगा। एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं, जैसे कि देखिए बेहिसाब, इसमें दो पद हैं, कौन कौन सा, एक है बे पहला पद और हिसाब हो गया दूसरा पद, तो हिसाब दूसरे पद के आगे क्या लग गया है, बे। बे क्या है, एक उपसर्ग है। ठीक है, तो जिस भी शब्द के आगे अगर उपसर्ग लगा हो या फिर छोटा वो है, मतलब दूसरा पद से वो अक्षर या फिर शब्द छोटा हो, तो उसको बोलेंगे हम अव्ययी भाव समास। इसका महत्व ज़्यादा है हिसाब का, और हिसाब से छोटा है बे। ठीक है, तो जिसका पहला पद, देख रहे हैं, पहला पद उपसर्ग हो या फिर छोटा हो, उस शब्द को क्या कहा जाता है, अव्ययी भाव समास। एक देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, पहला पद है यथा और दूसरा पद है संभव। ठीक है, तो देखिए संभव से छोटा है यथा, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यथा जो है ना, यथा वो संभव से छोटा है, इसमें ज़्यादा वैल्यू, ज़्यादा महत्व किसका दिखाई दे रहा है, संभव का। संभव से छोटा आप लोगों को यथा दिख रहा होगा, तो पहला पद क्या है, आप लोगों को छोटा दिखाई दे रहा है, उसके साथ साथ ये उपसर्ग भी दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि संभव के आगे आकर जुड़ गया है, संभव के शुरुआत में आकर जुड़ गया है। ठीक है, तो यथा क्या हो गया, उपसर्ग हो गया, तो यथा संभव क्या कहलाएगा, अव्ययी भाव समास। यही आप लोगों को ट्रिक को अपनाना है। प्रतिदिन, दिन से छोटा आप लोगों को प्रति लग रहा है, और दिन के पहले, दिन के शुरुआत में आकर क्या जुड़ गया, प्रति, यानी कि प्रति क्या है, उपसर्ग भी है और उसके साथ साथ दिन से छोटा भी है, तो प्रतिदिन को आप क्या बोल देंगे, अव्ययी भाव समास। तो इसी तरह आप लोगों को भी मिलाना है, कोई भी शब्द का पहला पद अगर उपसर्ग हो या फिर छोटा हो तो उसको आप लोगों को डायरेक्ट बोल देना है कि वो क्या है, एक अव्ययी भाव समास है। ठीक, प्रतिकूल, कूल के पहले क्या लग गया है, प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग है, तो इसको क्या बोल देंगे, अव्ययी भाव समास। आजन्म, जन्म क्या है, आजन्म में आ और जन्म दोनों पद में किसका महत्व ज़्यादा है, किसका वैल्यू ज़्यादा है, जन्म, आ से ज़्यादा वैल्यू किसका मिल रहा है, जन्म का, जन्म से छोटा आप लोग को दिखाई दे रहा होगा आ। ठीक, और आ जन्म के आगे आकर जुड़ गया है, तो आ एक उपसर्ग भी है और जन्म से छोटा भी दिखाई दे रहा है, इसका वैल्यू कम है आ का। ठीक, तो इसको आ जन्म को क्या बोल देंगे आप लोग, अव्ययी भाव समास। उसके बाद से यहाँ पर एक और ट्रिक है, एक जैसा शब्द हो तो भी उसको अव्ययी भाव समास बोलेंगे, जैसे कि हाथों हाथ, ठीक, दिनों दिन, ठीक, एक जैसा शब्द हो ना तो उसको भी आप लोग क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। तो आई थिंक आप लोग को अव्ययी भाव पहचानने का ट्रिक समझ में आ गया होगा, बस यही वाला आप लोग को ट्रिक अपनाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तत्पुरुष समास कैसे पहचानेंगे कि कोई भी शब्द तत्पुरुष है कि नहीं है, इसका क्या ट्रिक है। देखिए, अगर कोई भी शब्द तत्पुरुष समास है तो उसका दूसरा पद छोटा होगा, याद रखिएगा, और विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। इसका मैं मतलब समझाती हूँ, देखिए एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। गंगाजल, गंगाजल में पहला पद है गंगा और दूसरा पद है जल, दो पद है ना, गंगा और जल, पहला पद गंगा और दूसरा पद जल, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दूसरा पद छोटा होना चाहिए। अच्छा देखिए, गंगा ये हो गया आप लोग का पहला पद और जल हो गया दूसरा पद, हुआ ना, तो दोनों में कौन आप लोग को छोटा दिखाई दे रहा है, किसका महत्व आप लोग को छोटा, मतलब कम लग रहा है, गंगा, गंगा का महत्व जल से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर गंगा की बात की जा रही है, और जल यानी कि पानी, नॉर्मली वाटर तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन पानी, जल से ज़्यादा महत्व किसका है, गंगा का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, दूसरा पद छोटा, पहले पद से गंगा से दूसरा पद क्या है, छोटा है, जल जो है वो छोटा है, तो गंगा जल को क्या बोल देंगे आप, तत्पुरुष समास। या फिर यहाँ पर दूसरा ट्रिक क्या लिखा है, विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, ये तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी शब्द तत्पुरुष समास है तो उस शब्द में विभक्ति चिन्ह का लोप होगा। जैसे कि देखिए, गंगा जल में विभक्ति चिन्ह का लोप है, कैसे,
इसको अगर तोड़िएगा तो क्या होगा, गंगा का जल, गंगा का जल, गंगा का जल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, विभक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह क्या का है, गंगा और जल को विभक्त करने वाला विभक्ति चिन्ह का है, जो कि गंगा और जल को विभक्त किया हुआ है। तो का को काट दिए, हटा दिए, तो दोनों मिलकर ही ना गंगा जल बना है। अगर गंगा जल को ऐसे बोला जाए कि गंगा का जल, ठीक, तो बीच में विभक्ति चिन्ह का आ रहा है ना, यानी कि का को हटाकर दोनों को जोड़ दिया गया है तब गंगा जल बना है, ठीक, यानी कि यहाँ पर विभक्ति चिन्ह का लोप है, ठीक है, तब ये जाकर गंगा जल बना है, तो गंगा जल को बोलेंगे तत्पुरुष। तो आप लोग को ऐसे मिलाना है, कोई भी शब्द तत्पुरुष है कि नहीं ऐसे मिलाइएगा, गंगा जल है तो सोचिएगा गंगा का जल, यानी कि बीच में क्या आ रहा है, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, यानी कि विभक्ति चिन्ह को हटा दिया गया है तब ये गंगा जल बना है, तो आप इसको क्या बोल देंगे, तत्पुरुष समास। या फिर राजपुत्र, देखिए राजपुत्र से क्या मालूम चल रहा है आप लोगों को, राजा का पुत्र, बीच में क्या आ रहा है, का, विभक्ति चिन्ह आ रहा है, का को हटा दिए गए और राजा और पुत्र को मिला दिए गए, तो राजा राजपुत्र बन गया है, तो राजपुत्र क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। राजपुत्र में, राजपुत्र का मतलब क्या, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है, तो राजा का पुत्र में ये का को हटा दिया गया, यानी कि विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, तभी तो राजपुत्र बना है, तो राजा का पुत्र, राजपुत्र क्या कहला जाएगा, तत्पुरुष, ठीक। कोई भी शब्द हो जैसे कि शिवालय, तो सोच कर देखिए, अपने मन में सोचिएगा कि विभक्ति चिन्ह तो नहीं है बीच में, शिवालय का मतलब क्या, शिव का आलय, आलय का मतलब घर, शिवालय, शिव का आलय, शिवालय, ठीक है, तो का इसमें विभक्ति चिन्ह है जिसको हटा दिया गया है, शिवालय बन गया है, तो शिवालय को क्या बोलेंगे, तत्पुरुष, ठीक है। पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम को सोच कर देखिए कि ये किस तरह बना है, पुरुष में उत्तम, पुरुषों में उत्तम, तो मे क्या है, बीच में विभक्ति चिन्ह है जो कि पुरुष और उत्तम को बांट रहा है, तो मे को हटा दिया गया है और पुरुषोत्तम बना दिया गया है, ठीक, तो पुरुषोत्तम क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो यही, ये जो है ना आप लोगों का मेन, अगर ये समझ गए कि विभक्ति चिन्ह का लोप है कि नहीं है, तब तो आप आराम से बता देंगे कि वो शब्द तत्पुरुष है कि नहीं है। कर्मवीर, कर्मवीर को देखिए कैसे बना होगा, जो कर्म का वीर हो, यानी कि अपने कर्म में वीर हो, कर्म का वीर, तो बीच में जो कहे का वो हटा दिया गया है और कर्म और वीर को जोड़ दिया गया है, तो कर्मवीर बना है, यानी कि विभक्ति चिन्ह को हटाकर जोड़ दिया गया है, तो कर्मवीर का क्या कहा जाएगा, तत्पुरुष समास। छात्रावास, छात्रों का आवास, छात्रावास, तो का हटाकर विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया है, यानी कि विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया है, हटा दिया गया है, तब छात्रावास बना है, तो छात्रावास को क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। शांति प्रिय, जो शांति का प्रिय हो, शांति का प्रिय, तो का हटा दिया गया है, विभक्ति चिन्ह का लोप कर दिया गया है और शांति और प्रिय को जोड़ दिया गया है, तो शांति प्रिय बन गया है, ठीक। तो कोई भी शब्द तत्पुरुष समास है कि नहीं है, बस उसको ध्यान से देखना है कि उसमें विभक्ति चिन्ह का लोप है कि नहीं है, अगर विभक्ति चिन्ह का लोप रहेगा तो समझिए कि वो क्या है, तत्पुरुष समास है, ठीक। तो यहाँ तक आई थिंक समझ में आया होगा। उसी तरह राजा का भवन, राजभवन, तो राजभवन क्या हो जाएगा, तत्पुरुष, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास की ओर। कर्मधारय समास कोई भी शब्द है कि नहीं है कैसे मालूम चलेगा, तो देखिए कोई भी शब्द अगर कर्मधारय समास है तो उसमें पदों की तुलना रहेगी, यानी कि पहले पद की तुलना दूसरे पद से की जा रही होगी और उसके बाद से पहला पद विशेषण होगा, एडजेक्टिव। विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषता को बताए, क्वालिटी को बताए, तो पहला पद क्वालिटी बताता है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। देखिए चरण कमल में पहला पद क्या है, दो पद आप लोग को दिखाई दे रहा होगा चरण कमल में, पहला पद है चरण और दूसरा पद है कमल, ठीक, चरण कमल, दो पद है। यहाँ पर क्या लिखा है, पदों की तुलना की गई, यानी कि पहले पद की तुलना दूसरे पद से की गई हो। चरण कमल से आप लोग को क्या मालूम चल रहा है, जिसका चरण कमल के समान हो, चरण कमल के समान, यानी कि यहाँ पर तुलना की जा रही है ना कि चरण कैसा होना चाहिए, तो कमल के फूल के जैसा होना चाहिए, तो तुलना, कंपेयर किया जा रहा है ना, यानी कि पहले पद की तुलना कंपेयर किससे की जा रही है, दूसरे पद से, तो चरण कमल क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। नव युवक, ठीक है, नव युवक का मतलब क्या, जो नया युवक हो, नौजवान हो, मतलब नया युवक, तो उसको क्या बोल देंगे, नव युवक। तो इसमें देखिए दो पद है, एक है नव और दूसरा पद है युवक, ठीक है, तो पहले पद की तुलना दूसरे पद से की गई है कि कैसा है युवक, तो नव युवक है, यानी कि नया युवक है, ठीक। पहले पद की तुलना दूसरे पद से की गई है कि नया युवक है, यानी कि नव युवक। या फिर देखिए पहला पद विशेषण,
पहला पद क्या है, ये विशेषण है नौ। दूसरे पद की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है। युवक कैसा है तो नौ है, यानी कि नया है। तो क्वालिटी पहला पद ही बता दे रहा है, विशेषता बता दे रहा है युवक की, कि युवक जो है वो नया है, यानी कि पहला पद विशेषण है। तो नव युवक को भी क्या बोल रहे हैं, कर्मधारय समास। दोनों चीज़ आप लोगों को देखना है, पदों की तुलना और पहला पद विशेषण। पदों की तुलना की गई है, हाँ बिल्कुल की गई है। पहले पद की तुलना दूसरे पद से की गई है कि युवक जो है ना वो नया है, और पहला पद देखिए विशेषण है, तो जी बिल्कुल है, पहला पद जो है ना वो विशेषण है, बता रहा है कि युवक जो है ना वो नया है। ठीक, पहला पद बता दे रहा है, विशेषता क्वालिटी बता दे रहा है युवक की दूसरे पद की, तो इसको क्या बोल देंगे, कर्मधारय समास। ठीक, महापुरुष, महापुरुष में पहला पद महा और दूसरा पद पुरुष। तो देखिए पदों की तुलना की गई है कि पुरुष कहना कैसा होना चाहिए, महान होना चाहिए। ठीक है, कैसा पुरुष तो महान पुरुष, तो तुलना की गई है ना पहले पद से दूसरे पद की। या फिर देखिए पहला पद विशेषण है, पहला पद ये जो महा है वो क्या है, विशेषण है, जो कि पुरुष की विशेषता क्वालिटी बता रहा है कि कैसा पुरुष है, तो महान पुरुष है। तो इसको महापुरुष को क्या बोलेंगे आप लोग, कर्मधारय समास। ठीक, महाआत्मा, आत्मा कैसा है तो महान है, महान आत्मा को क्या बोलेंगे, महाआत्मा, तो कर्मधारय समास। यानी लाल किला, लाल किला में भी देखिए पहला पद है लाल और दूसरा पद है किला, तो किला कैसा है, लाल है। ये कौन बता रहा है, पहला पद बता रहा है, यानी कि किला की क्वालिटी बता रहा है, विशेषता बता रहा है पहला पद, यानी कि पहला पद क्या है, विशेषण है। ठीक, तो इसको क्या बोल देंगे आप लोग, कर्मधारय समास। या फिर पहले पद की तुलना दूसरे पद से भी की जा रही है कि लाल क्या है, किला है, किला लाल रहना चाहिए, तो लाल किला। तो फिर तुलना भी आप लोग को समझ में आ जा रहा है कि तुलना भी की जा रही है और पहला पद जो है ना विशेषण है, तो क्या बोल देंगे, कर्मधारय। आगे बढ़िए, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, जिसका मुख जो है ना चंद्रमा के जैसा हो उसे क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कर्मधारय समास। तो पहला है चंद्र और दूसरा है मुख, मुख कैसा होना चाहिए, तो चंद्रमा के जैसा। ठीक है, तो पहला पद विशेषता बता रहा है कि मुख कैसा है, चंद्रमा के समान। ठीक, आगे बढ़िए, नील कमल, कैसा कमल तो नीला कमल। ठीक है, तो नील पहला पद क्या है, विशेषण बता रहा है कि कमल कैसा है, नील यानी कि नीला है, तो नील कमल को क्या बोल देंगे, कर्मधारय समास। या फिर आप लोगों को इतना दिमाग नहीं लगाना है तो आप ये सिंपल सा फंडा यूज़ कर सकते हैं जो कि मैं आगे लिखी हूँ, के समान या फिर है जो, बस उसको उस शब्द को तोड़ कर देख लीजिए कि उसमें के समान या फिर है जो आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब समझिए क्या हुआ। चरण कमल, चरण कमल का मतलब क्या, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पर, कमल के समान चरण। तो कमल, चरण कमल का मतलब क्या, कमल के समान चरण, तो बीच में क्या आ रहा है, के समान, याद रखिए के समान आए, तोड़ कर देखना है आप लोगों को, अगर बीच में के समान आता है तो उसको बोल देंगे कर्मधारय, यही ट्रिक है। नव युवक, नया युवक है जो, नया युवक है जो, लास्ट में क्या आ रहा है जो, तो है जो अगर रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कर्मधारय समास। ठीक, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, तो क्या आ रहा है, बीच में के समान आ रहा है, तो उसको क्या बोल देंगे, कर्मधारय समास। ठीक है, नील कमल हो गया, ठीक है, नीला रंग का कमल है जो, ठीक है, उसको क्या बोल देंगे, कर्मधारय समास। तो यहाँ तक आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए चार नंबर है द्विगु समास, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। द्विगु समास कोई भी शब्द है कि नहीं है, इसका पहचानने का बहुत ही आसान ट्रिक, उसका पहला पद संख्यावाचक रहेगा। द्विगु, द्वि का मतलब क्या होता है, दो, दो क्या है, एक संख्या है ना, नंबर है। ठीक है, तो जो भी शब्द का पहला पद संख्यावाचक रहे, यानी कि नंबर में रहे, एक दो तीन चार पाँच, उस शब्द को बोल देंगे आप लोग द्विगु समास। जैसे कि देखिए त्रिभवन, दो पद है इसमें, एक है त्रि और एक है भवन। ठीक, पहला पद है त्रि और दूसरा पद क्या है, भवन। तो क्या है द्विगु समास पहचानने का ट्रिक, कि पहला पद संख्यावाचक रहना चाहिए। तो देखिए पहला पद संख्यावाचक है त्रि, हाँ त्रि का मतलब क्या, तीन, पहला पद क्या है, नंबर बता रहा है तीन। तो जो भी संख्या, जो भी शब्द का पहला पद अगर संख्यावाचक रहेगा, नंबर बताएगा, उसको क्या बोल देंगे, द्विगु समास। तो त्रिभुवन में पहला पद जो है ना वो त्रि है, यानी कि ये संख्या का, संख्या की ओर संकेत कर रहा है, संख्या बता रहा है, नंबर बता रहा है, तो आप इसको क्या बोलेंगे, द्विगु समास बोल देंगे। दो पहर, पहला पद है दो और फिर दूसरा पद क्या है, पहर, तो पहला पद क्या है, दो, इससे क्या मालूम चल रहा है कि पहला पद संख्यावाचक है, संख्या को बता रहा है, तो दो पहर को आप लोग क्या बोल देंगे, द्विगु समास। तिरंगा में पहला पद ती, इसे मालूम चल रहा है कि संख्या है ती, यानी कि तीन, तो द्विगु समास हो जाएगा। त्रिकोण, पहला पद त्रि है यानी कि तीन, ये भी संख्या को बता रहा है, पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, तो द्विगु समास। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, बस पहला पद आप लोग को देख लेना है कि संख्यावाचक है कि नहीं है, अगर संख्यावाचक नहीं है तो उसको द्विगु समास मत लगाइएगा, अगर पहला पद संख्यावाचक है, संख्या को बता रहा है, तब उसको द्वि
द्विगु समास आप लोग को लगाना है। चौराहा में सबसे पहला पद क्या है, चौ, चौ का मालूम, चौ से क्या मालूम चल रहा है, चार, चौराहा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विगु समास, नौ रतन, ठीक है, और उसके बाद से नौ ग्रह। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए चार समास को। अब बचा हुआ है दो समास और, एक है द्वंद्व समास और एक है बहुव्रीही समास, ठीक। तो चलिए दोनों को भी मैं लिखती हूँ बोर्ड मिटाकर, उनके ट्रिक के साथ मैं आप लोग को समझाती हूँ। तो अगर आप लोग यहाँ तक स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए फटाफट स्क्रीन शॉट। अब चलिए लास्ट दो समास बचा हुआ है उसको फटाफट समझ लेते हैं। देखिए पांचवें नंबर पर है द्वंद्व समास, किसे कहते हैं, मतलब कैसे पहचानेंगे कि कोई भी शब्द द्वंद्व समास है कि नहीं है। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा आसान है, अगर कोई भी शब्द द्वंद्व समास है तो दोनों पद एक दूसरे से विपरीत होंगे, उस शब्द का दोनों पद एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टा होंगे। कैसे, जैसे कि देखिए दिन और रात, दिन का उल्टा रात, तो दिन रात क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिसका दोनों पद एक दूसरे के विपरीत यानी कि उल्टा हो, दिन का उल्टा रात, तो दिन रात क्या कहला जाएगा, द्वंद्व समास। माता का उल्टा पिता, तो माता पिता क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। भात का उल्टा दाल, भात मतलब समझते हैं ना, चावल, ठीक है, और दाल, ठीक है, तो भात और दाल क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि ये एक दूसरे के उल्टा है, भात का उल्टा दाल, ठीक है, गांव देहात में भात बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, घर का उल्टा तो द्वार, तो घर द्वार क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है। और राम कृष्ण, देखिए इसके बीच में डैश नहीं है लेकिन फिर भी उल्टा है, एक दूसरे के विपरीत है, तो राम कृष्ण क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास। आजकल, आज का उल्टा कल, आजकल क्या कहलाएगा, तो द्वंद्व समास, इसके बीच में भी डैश नहीं है। आगे है पाप पुण्य, पाप का उल्टा क्या होगा, पुण्य, तो पाप पुण्य हो गया, द्वंद्व समास, इसके बीच में भी डैश है, ठीक है। गुड़ दोष, गुण दोष क्या कहलाएगा, द्वंद्व समास, गुण का उल्टा दोष, सुख का उल्टा दुख, तो सुख दुख एक साथ रहेगा तो उसको बोल देंगे द्वंद्व समास, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। लास्ट देखते हैं बहुव्रीही समास, कैसे पहचानेंगे कि कोई भी शब्द बहुव्रीही समास है कि नहीं है। तो देखिए उसका दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करता है, अगर कोई भी शब्द बहुव्रीही समास है ना, तो उसका दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। एग्जाम्पल लेकर हम लोग समझते हैं, जैसे कि लंबोदर, लंबोदर में दोनों पद है, लंबोदर क्या, लंबोदर का मतलब क्या, लंबा हो उदर जिसका, तो किसका लंबा उदर होता है, तो गणेश जी का, यानी कि लंबोदर से एक तीसरा पद निकल कर आ गया गणेश जी, ठीक। लंबोदर मतलब लंबा हो उदर जिसका, तो लंबोदर किसको कहा जाता है, तो गणेश जी, तो तीसरा पद क्या आ गया, गणेश जी। तो यानी कि ये जो लंबोदर है शब्द, ये तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तीसरे शब्द को क्रिएट कर दे रहा है जो है कि गणेश जी, तो लंबोदर को क्या बोल देंगे हम लोग, बहुव्रीही समास। दशानन, दस हो आनंद जिसका, क्या बोल, किसको बोलते हैं, रावण को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दशानन, बहुव्रीही समास। पीताम्बर, ठीक, पीत हो अंबर जिसका, ठीक है, पीत है अंबर जिसका, उसको क्या कहते हैं, पीताम्बर, तो पीताम्बर किसको कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण को, तो पीताम्बर क्या कर रहा है, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, श्री कृष्ण भगवान की ओर, ठीक, तो पीताम्बर क्या कहलाएगा, बहुव्रीही समास। आगे है चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, किसको कहा जाता है, विष्णु जी को, ठीक, तो चतुर्भुज जो है ना, इसका दोनों पद यानी कि चार भुजाएं हैं जिसकी, ये किसके ओर, तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, विष्णु जी को, तो चतुर्भुज क्या हो जाएगा, बहुव्रीही समास। तो बस आप लोग को यही देखना है कि वो जो शब्द है किसी तीसरे पद की ओर संकेत तो नहीं कर रहा है, उसको बोल देंगे आप लोग बहुव्रीही समास, दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। तरह गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला क्या कहलाएगा, गिरिधर, तो कौन, किसको कहा जाता है गिरिधर, भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है गिरिधर, गिरी को धारण करने वाले थे गिरिधर, भगवान श्री कृष्ण, तो गिरिधर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है भगवान श्री कृष्ण को, ठीक, तो गिरिधर को क्या बोल देंगे आप लोग, बहुव्रीही समास। तो आई थिंक आप लोगों को ये पूरा छः का छः समास बहुत ही अच्छे तरीके से उसके ट्रिक के साथ समझ में आ गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोगों को हर एक समास को इतने अच्छे तरीके से समझाई, समझ में आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ मुझे समझ में आ गया, सारा डाउट 100% आउट हो गया, ठीक, तब मुझे लगेगा कि हाँ आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया, ठीक। तो चलिए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दे और चारों तरफ शेयर कर दे। अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो अपने पड़ोसी, अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और उनको भी समाज समझने में आसानी हो सके, ठीक। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।